वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंपटीटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे पार्ट 9 जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स है उसका PYQ का क्वेश्चन और ओवरव्यू कुछ इसका हम यहाँ पे इस वीडियो में दे रहे हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम वी ऑफ ए मोनाटॉमिक गैस वेरीज विद इट्स टेम्परेचर टी एस ऑन इन द फिगर इन द ग्राफ द रेशियो वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट व्हेन इट अंडरगोज ए चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी इज। तो यहाँ पे जैसा कि आपको ग्राफ दिख रहा है तो ये जो ग्राफ है बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है और ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस, जैसे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, N तो कांस्टेंट ही होता है, R कांस्टेंट ही होता है, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट, एंड प्रेशर कांस्टेंट जो होता है उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, दिस इज द आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है आपका, आइसोबारिक प्रोसेस है। सो आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट होता है वो कितना होता है, दिस इज इक्वल टू NCP इनटू कितना होता है DT, वेयर CP इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो DQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, N5/2 इंटू R इंटू कितना लिख सकते हैं, दिस इज DT। एंड ऑल्सो वर्क डन DW इज इक्वल टू कितना होता है, P × dV। सो दिस इज इक्वल टू NR इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज DT हो जाएगा, बिकॉज PV इज इक्वल टू NRT। सो दिस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेशियो, DW/DQ का रेशियो अगर हम देखें तो जब रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा NRDT डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू N5/2 R इंटू कितना हो जाएगा DT, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर जो है यहाँ पे जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकालने के बाद 2/5 आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा है द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। जो फ्रीजिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है, दो तो हीट इंजन के बारे में सबको पता होगा कि दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द हीट इंजन, ये होता है सोर्स और ये होता है हीट इंजन और ये होता है सिंक, जैसा कि आपने पढ़ा है। और यहाँ से हीट जाता है और यहाँ से हीट जो होता है सिंक में चला जाता है और यहाँ पे वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 - Q2 होता है। सो इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड होता है, कितना हीट आपने सप्लाइड किया था, कितना वर्क डन मिला, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड इज द इफिशियंसी। और अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो T1 T2 के टर्म में इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन क्या होता था, T1, जिसमें T1 जो होता था सोर्स का टेम्परेचर और T2 जो होता था सिंक का टेम्परेचर। तो अगर देखें तो T1 इज इक्वल टू गिवन है बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 270 + 100, सो दिस इज इक्वल टू 373 कैल्विन हो जाएगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 273 से ऐड करना पड़ता है। एंड T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 + 0, सो दिस इज इक्वल टू 273 कैल्विन। सो व्हाट इज इफिशियंसी, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1, सो 273 / 373, सो दिस इज इक्वल टू इफिशियंसी इज इक्वल टू 100 / 373। सो अगर परसेंटेज में आप निकालना चाहते हैं इसको तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं परसेंटेज में, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 26.8% आपका यहाँ पे आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ए सैम्पल ऑफ 0.1 ग्राम, ए सैम्पल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसी को बोलते हैं पास्कल को, रिक्वायर्ड 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इज 167.1 cc, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैम्पल इज। देखो बेटा इसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U + कितना होता है, डेल्टा W होता है।
सो अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करें हम यहाँ पे, तो हीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 54 इंटू 4.18 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड प्लस वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.013 इंटू 10^5 इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, अगर वर्क डन हम करें तो 167.1 × 10^-6 − 0। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से दिस इज इक्वल टू 208.7 जूल आपका यहाँ पे आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो कह रहा है कि टू सिलेंडर्स ए एंड बी, दो सिलेंडर हैं ए एंड बी, टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाई अ स्टॉप कॉक, एक कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, द एंटायर सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड, द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन। देखो बेटा, जो प्रोसेसेस होते हैं चार प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, तो जो भी सडन प्रोसेस होता है, जहाँ पे सडन एक्सपेंशन, सडन कंप्रेशन, टायर का ब्रस्ट हो जाना, सडन जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे सडन प्रोसेस है, वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। जो भी आपका सडन प्रोसेस है, जहाँ पे भी आपका सडन प्रोसेस हो रहा है, जो सडन प्रोसेस होता है वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बोला है कि स्टॉप कॉक को अगर अचानक से खोला जाए, स्टॉप कॉक ही सडनली ओपन, तो क्या होगा, तो सब सडनली ओपन करोगे स्टॉप कॉक को, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए एडियाबेटिक प्रोसेस, पार्ट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर 1 होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, इट डेंसिटी इज, आपसे यहाँ पे डेंसिटी इसका पूछा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर, एक सिलेंडर है जो कंटेन्स कर रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, इट डेंसिटी इज, आर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं बेटा पी वी इक्वल टू एन आर टी, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज पी वी इक्वल टू कितना होता है एन आर टी, प्रेशर देखें तो 249 आपको किस में गिवन है, किलो पास्कल में, सो दिस इज इक्वल टू 249 इंटू 10^ कितना हो जाएगा 3 पास्कल हो जाएगा, किलो का मतलब कितना होता है 10^3। नाउ टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, सो कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 300 कैल्विन हो जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू 2 × 10^-3 कितना गिवन है केजी गिवन है, सो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सो दिस इज पी, और अगर आप पी वी इज इक्वल टू अगर एनआरटी होता है तो पी वी इसकल टू एन इसकल टू अगर वैल्यू पुट कर देते हैं मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी, सो दिस इसकल टू पी अपॉन एम इसकल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी, सो मास अपॉन वॉल्यूम क्या दे देगा डेंसिटी, सो पी इंटू एम इसकल टू रो आर टी, सो रो इसकल टू कितना, दिस इज पी एम अपॉन कितना हो जाएगा आर टी, वैल्यू पुट करो इसकी, जब सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो 249 × 10^3 इंटू एम की वैल्यू आ गई थी 2 × 10^-3 डिवाइडेड बाई 2 × 10^-3 / 8.3 × 300। जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो 0.2 केजी पर मीटर क्यूब आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में भी पूछे हुए हैं, नीट में भी देखो आया हुआ है, और अभी हाल के दिनों में पूछा गया 2022 में, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें एक्सपेंशन का भी क्वेश्चन मिलता है आपको, कंप्रेशन का भी क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पर क्या बताया है कि दिस इज़ द, देखो मैं पूरा डिटेल में इसको डिस्कस कर देता हूँ, दिस इज़ द प्रेशर एंड दिस इज़ द वॉल्यूम, ठीक है, ये चार प्रोसेसेस हैं बेटा, ठीक है, दिस इज़ प्रोसेस 1, दिस इज़ प्रोसेस 2, दिस इज़ प्रोसेस 3 एंड दिस इज़ प्रोसेस 4, ठीक है। अब एक बात बताओ कि आइडियल गैस इक्वेशन कितना होता है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, तो अगर कहता है कोई कि आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट,
तो ये तो साफ पता चल रहा है ना कि फोर वाला जो ग्राफ है ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। फोर वाला जो ग्राफ है वो क्या है, आइसोबारिक। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसका। आइसोकोरिक क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो कोई भी देख के बता देगा कि ये वन वाला जो है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वन वाला क्या हो जाएगा आपका, आइसोकोरिक हो जाएगा। अब सवाल है कि टू और थ्री इसमें कौन आपका एडियाबेटिक, आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है। अब टू थ्री में कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एनआर पहले से कांस्टेंट है, मतलब पीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट। और एडियाबेटिक का इक्वेशन अगर आप देखें तो पीवी पर गामा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, कांस्टेंट। तो अगर सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए अगर मान लिया जाए दोनों में वॉल्यूम सेम एक्सपेंड, यहाँ से चलना स्टार्ट किया ओ से मान लिया जाए और सेम वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है दोनों में, सेम वॉल्यूम एक्सपेंड किया, तो प्रेशर किसका ज़्यादा डिक्रीज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे P प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम के पावर वन। यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम के पावर गामा, एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। सो अगर वॉल्यूम के पावर गामा है तो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो इसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो ज़्यादा होगी, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज करेगा सेम वॉल्यूम। आइसोथर्मल एडियाबेटिक में सेम वॉल्यूम चेंज होता है लेकिन प्रेशर की वैल्यू एडियाबेटिक में ज़्यादा ड्रॉप करेगा। सो इन टू और थ्री में किसने प्रेशर में ज़्यादा ड्रॉप किया है, तो सेकेंड में। तो हम कहेंगे सेकेंड जो है सेकेंड वाला ग्राफ है वो आपका कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। सेकेंड वाला जो है बेटा वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और जो थर्ड वाला है बेटा वो आपका कौन सा है, आइसोथर्मल। तो ये हो गया एडियाबेटिक, ये हो गया आइसोथर्मल, ये हो गया आइसोकोरिक, और ये हो गया आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक आइसोकोरिक में तो क्लियर है, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट।